भी जा सकते हैं हॉन्टेड हाउस। इसका टिकट पता कर लेते हैं भाई से। भाई कितने की रहेगी टिकट इसकी? 50 रुपए। क्योंकि जाइंट व्हील होता है ये, देखिए गोल वाला झूला, ठीक है काफी ऊंचा है ये, देखते हैं भाई ले पाता है नहीं ले पाता। रोने लगी भाई। भाई भाई राउंड करके ऊपर की तरफ जाता है ये, देखिए इतना ऊपर जाने वाला है। बुलंदशहर से आए हो? अच्छा 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 भैया बुलंदशहर। हाँ जी भैया बनारस से आए हैं। तो क्या क्या किस किस वैरायटी का पान रखते हैं आप मेले में? तो भाई फॉरनर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, देखिए सामने बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम मेला कवर करने वाले हैं। भाई काफी दिनों बाद मेला कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम आ गए हैं भाई दिल्ली के लाल किला पे। मेले से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले, जैसे कि टिकट टाइमिंग लोकेशन, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वगैरह क्या पड़ेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। और कौन कौन से झूले हैं, शॉपिंग में क्या क्या है, खाने पीने में क्या क्या है, सब कुछ दिखाएंगे। एक डिटेल ब्लॉग रहने वाला है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें मेले के लोकेशन के बारे में, तो सामने देख सकते हैं भाई लाल किला है। लाल किले के जस्ट सामने ही जो मेला लगा हुआ है, लाल किले के सामने जो सारा मेला है वो चल रहा है। दोस्तों ये मेला 10 अप्रैल से स्टार्ट हो पड़ा है और ईद के 1-2 दिन बाद तक चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं ईद तक और एंजॉय कर सकते हैं। तो बात करें मेले के टाइमिंग के बारे में, सुबह 10-11 बजे मेला स्टार्ट हो जाता है और रात के वही 8-8:30 बजे तक चलता है। अगर दोस्तों आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको लाल किले वाली ही पार्किंग मिल जाएगी जो कि पेड रहेगी। आप उसमें अपना गाड़ी वगैरह खड़ा करके, जो भी व्हीकल से आते हैं उसे खड़े करके मेले में आ सकते हैं। दोस्तों मेले में आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लाल किला का पड़ेगा। गेट नंबर 4 से आपको एग्जिट लेना है और एग्जिट लेते ही ये देखिए सामने मेले का एंट्रेंस गेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप मेले में एंट्री कर सकते हैं, आप चेकिंग वगैरह करा के अंदर एंट्री के लिए जा सकते हैं। और सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं, इस मेले की एंट्री फ्री है, आपको कोई एंट्री टिकट नहीं लेनी है, आपको फ्री में एंट्री मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही मेले में एंटर होते हैं, देखिए उस तरफ जाइंट व्हील देखने के लिए मिलता है, इधर ब्रेक डांस है, इधर भी काफी सारे गेम है। ये देखिए सबसे पहले ये फुटबॉल वाला गेम देखने मिला। भैया कितने रुपए में कितने चांस रहते हैं? 5 गिलास गिराने पे 200 रुपए इनाम देते हैं भैया। अच्छा 5 गिलास गिरा देंगे 200 रुपए इनाम। और कितने रुपए में कितने चांस है? 50 रुपए का वन शॉट मिलेगा, जो 500 गिलास गिरा देगा 200 रुपए इनाम मिलेंगे, 200 कैश मिलेगा। भाई स्टार्टिंग में ये वाला गेम देखने को मिला, इधर भी काफी सारे ये देखिए ये रिंग्स वाला गेम देखने के लिए मिल जाता है। भाई से पता कर लेते हैं कितने रुपए में कितनी रिंग है, ठीक है। ये देखिए होपला मनोरंजन रिंग स्टॉल। भैया जी कितने रुपए में कितनी रिंग है? 50 रुपए। कितनी? 6 रिंग। 50 रुपए की 6 रिंग रहेगी, ठीक है। ये रिंग वाला गेम रहेगा, आप इसमें से जो भी प्रोडक्ट पे रिंग अपना जो भी है डाल देंगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला मिल जाएगा बॉल वाला गेम, ठीक है। ये कुछ लक्की ड्रॉ वाला गेम रहेगा, आपको 50 रुपए में 6 बॉल मिलेंगी, ठीक है। और इस तरीके की आपको ये देखिए आपको मतलब ये जो नंबर है ऐड करके इस ये जो भी आप नंबर ले आएंगे वो आपको इनाम मिल जाएगा। देखिए LED स्क्रीन भी लगी हुई भाई 35 नंबर पे, ठीक है। आगे चलो इस तरफ देखिए ब्रेक डांस वाला झूला रहने वाला है, ये पता कर लेते हैं भाई से। भाई कितने का रहेगा ये ब्रेक डांस का? 50 रुपए का। अच्छा 50 रुपए की टिकट रहेगी ब्रेक डांस की, ठीक है। अभी लोग बैठ रहे हैं तो स्टार्ट होता है। और आगे चले तो इस तरफ ये बच्चों के झूले वगैरह दिख जाते हैं। उसी के बाद भाई देखिए ये वाला झूला देखने के लिए मिल जाता है हमें, जिसका कि नाम है ये स्टार। ये देखिए मून स्टार लिखा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, ये देखिए, ठीक है। इसकी टिकट पता कर लेते हैं भैया से। भैया कितने की टिकट है इसकी? 50 रुपए की। ये मून स्टार रहेगा भाई 50 रुपए की टिकट रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से चलता है ये, अभी तो खाली चला रखा है, अभी कोई है नहीं। और इस तरफ देखें तो भाई बच्चों वाला झूला देखने के लिए मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है। इसकी पता कर लेते हैं भैया से कितने की टिकट रहेगी। भैया कितने की टिकट रहेगी इसकी बच्चों की? 30 रुपए की। 30 रुपए की रहेगी भाई। आप छोटे बच्चे मतलब आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं। भाई शॉपिंग में भी बहुत कुछ मिल जाता है, देखिए जैसे स्टॉल दिखा है यहाँ पे की चैन वगैरह मिल जाएंगे, इस तरीके से आप अपने नाम का भी डेकोरेट करवा सकते हैं, ठीक है। कुछ तरीके के ये वाले मिल जाएंगे आपको, देखिए खाटू श्याम बाबा के। भैया क्या प्राइस रहते हैं इनके? 50 रुपए। ये खाटू श्याम बाबा के मिल जाएंगे, ये देखिए शिव शक्ति लिखा हुआ है, 50-50 रुपए का रहेगा ये वाला। और भैया ये वाले कोई सा भी ले लो 50 रुपए का। अच्छा कोई सा भी ले लो इनमें से 50 रुपए का रहेगा, ठीक है। और इस तरीके के डॉल वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी वैरायटी के रख रखे हैं भैया ने। इधर 30 का रहेगा, ये 30 का रहेगा। ये देखिए कुछ फ्लावर पॉट रहेगा छोटा सा और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये वाला भी भैया 30 का? ये वाला भी 30 का रहेगा, ये देखिए भगवान का रहेगा, गणेश जी का, ठीक है।
गुड्डे गुड़िया मिल जाएंगे, कपल मिल जाएंगे, इस तरीके के काफी वैरायटी के मिल जाएंगे। डोरेमोन भी मिल जाएगा देखिए भाई, झूला तो देखिए ये वाला मिक्की माउस वाला मिल जाएगा जो कि बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए 40 रुपए के, 40 रुपए की टिकट रहेगी, ये मिक्की माउस वाला रहेगा भाई बच्चों का। और इस तरफ देखें तो ये देखिए बच्चों का रेलगाड़ी वाला रहेगा, रेलगाड़ी ऑनर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, देखिए सामने फॉनर्स आए हुए। और ऐसा है ना भाई, लाल किला पास में है, चांदनी चौक में भी मतलब फॉनर्स वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पे भी शायद मेला वेला देखा होगा इन्होंने, तो आ गए होंगे भाई। ये देखो इस तरीके से गिटार लेके आप सेल्फी वाला वो भी बनवा सकते हैं वीडियो, जैसे देखो भाई बनवा रहा है 60 वीडियो है ना इसका, भैया से पता करा मैंने 30 रुपए का रहेगा, 30 रुपए की 30 रुपए पर पर्सन रहेगा, आप वीडियो वगैरह बनवा सकते हैं। आप मेले में देखिए ठंडी लस्सी पी सकते हैं जो कि 20 रुपए का गिलास रहेगा और 30 रुपए का, मतलब दो टाइप के गिलास रहेंगे। ये देखिए ये भैया 20 वाला गिलास है, 30 रुपए वाला, 30 वाला गिलास रहेगा, दो वैरायटी आपको लस्सी मिल जाएंगे, 20 वाला और 30 वाला। कहाँ से आए वैसे भैया आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर से आए हो। अच्छा अच्छा, एड देखो ये सारा भाई झूले वाला सेक्शन रहने वाला है, इधर की तरफ जाएंगे तो हमें सारे शॉपिंग वाला एरिया दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको झूले वगैरह दिखाऊंगा, उसके बाद जो शॉपिंग वाला एरिया है ना वो कवर करेंगे। मेले की शान जो कि जायंट व्हील होता है, ये देखिए गोल वाला झूला, ठीक है काफी ऊंचा है ये, और लाइटिंग भी काफी सही लग रहा है, मतलब लाइटिंग काफी अच्छे सजा रखा है। ये जो जायंट व्हील है इसका जो टिकट है दोस्तों वो 80 रुपए का रहेगा, वहाँ पे भैया ने बोर्ड पे भी लगा रखा है, ठीक है। और इसी बगल में देखें तो भाई हमें निशाने वाला गेम मिल जाएगा, भैया से पता कर लेते हैं कितने की टिकट रहेगी भाई। शॉटिंग ये शॉट वाला गेम है, शूटिंग वाला, कितने रुपए के इतने शॉट रहते हैं? 50 के 10 शॉट। अच्छा 50 रुपए के 10 शॉट रहेंगे भाई, यहाँ पे आप आकर के निशानेबाजी कर सकते हैं। देखो इनाम वगैरह नहीं होता ना, इंजॉयमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भाई ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नाव वाला झूला जैसे कि ये क्या कहते हैं अपू कोलंबस भी कहते हैं, इसकी जो टिकट रहने वाली 50 रुपए की रहेगी, वो भैया से मैंने पता कर लिया था 50 रुपए की टिकट रहने वाली है। ये वाला झूला रहेगा, ये देखो गोल गोल घूम करके ऊपर की तरफ जाता है, एकदम टॉप पे चला जाएगा, फिर वहां से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा। भैया कितने की रहेगी टिकट इसकी? टिकट कितने की रहेगी? 50 रुपए की। रेलगाड़ी वाला झूला देखने को मिल जाएगा, ड्रैगन ट्रेन वाला जो कि अभी फिलहाल के लिए बंद कर रखा है, ये स्टार टाइप का बना हुआ है, ये भी बंद कर रखा है, इसकी भी 60 रुपए की टिकट है। भैया चालू नहीं है क्या ये? चालू है। अच्छा झूलने वाला कोई नहीं है अभी? अच्छा झूलने वाला कोई नहीं, इसलिए भाई बंद कर रखा है, बाकी 60 रुपए की टिकट रहेगी इसकी। कुछ इस तरीके से भाई ये वाला भी झूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी सही है। भाई से टिकट पता कर लेते हैं कितने की रहेगी। भाई टिकट कितने की रहेगी इसकी? 50 रुपए की। क्या बात है भाई, 50 रुपए की टिकट रहेगी, तो ज्यादा झूले की ना 50 रुपए की टिकट देखने के लिए। गाड़ी वाला भी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 40-50 रुपए टिकट रहेगी, ठीक है। इस बगल में देखें तो ये देखो बच्चों वाला मिल जाएगा, भाई कितने की टिकट इसकी? 30 रुपए की। कोई देखो भूत घर भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी जा सकते हैं, हॉन्टेड हाउस, इसका टिकट पता कर लेते हैं भाई से। भाई कितने की रहेगी टिकट इसकी? 50 रुपए। 50 रुपए की इसकी भी टिकट, 50 रुपए की रहेगी। आप 50 रुपए के मतलब टिकट लेके इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे काफी झूले हैं, जैसे ये वाला देख सकते हैं जो हाथ से चलाते हैं, जैसे मैंने जिप्सी वाला दिखाया था उधर ट्रेन वाले मिल जाएगा आपको। आगे की तरफ देखे तो भाई उधर हेलीकॉप्टर वाले लगा रखे हैं, जो बच्चों के झूले ना उनकी टिकट मतलब 30 से लेकर 50 तक रहने वाली है। इसे देखिए अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो काफी सारे खिलौने वगैरह मिल जाएंगे आपको। 60 रुपए की सेल लगा रखी है भैया ने, देखो कुछ तरीके सॉफ्ट टॉयज रहेंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, हाथी वगैरह मिल जाएगा और इस तरह के खिलौने वगैरह मिल जाएंगे, डॉल वगैरह। ये क्या प्राइस में रहता है भैया डॉल का? अच्छा ये भी 60 रुपए में ही है, कोई सा भी ले लो। क्या बात है भाई, ये 60 रुपए का रहेगा, इसमें से भी कुछ भी ले सकते हो, डॉल मिल जाएंगी, काफ़ी तरह की गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, किचन सेट मिल जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। ये इस तरीके से भाई ये ठीक है डॉल का पूरा सेट मिल जाएगा। ये ड्रैगन ट्रेन वाला झूला मिल जाएगा, अभी फिलहाल के लिए तो बंद कर रखा है, शायद कोई झूलने वाला नहीं होगा। इसकी जो टिकट्स होगी वो 40 रुपए की रहेगी, ये देखो भैया ने बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, अभी भैया है भी नहीं शायद। देख सकते हो तो इसी तरीके का मेला जो है लगा हुआ है, और भाई यहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा, इस वजह से मेरी जो आवाज है वो इतनी पहुंच नहीं रही होगी। ईद के मतलब कुछ दिनों बाद तक मेला चलने वाला है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप टर्किश आइसक्रीम का ही मजा ले सकते हैं, ये देखिए ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, काफी फनी होती है यार ये, देखिए देखते हैं भाई ले पाता है नहीं ले पाता, पकड़ पाता है नहीं पाता। हेलो सर, क्या हाल है? सब ठीक है? आइसक्रीम चाहिए जो?
तो डर के भाग गए और रोने लगे हो रोने लगे हो भाई फेंक दे इसने भाई आप दे देंगे आप दे देंगे तो इसके इस तरीके से भाई आप आकर के तुर्की साइज का भी मजा ले सकते हैं यार। वो रोने लगी थी छोटी बच्ची झूला रहने वाला है थोड़ा यूनिक टाइप का लग रहा है। इसका भी जो टिकट है वो पता कर लेते हैं भाई से। भाई कितने की रहती है टिकट इसकी? टिकट कितने की? 30 रुपए की। क्या बात है भाई, मात्र 30 रुपए की रहेगी टिकट। ठीक है, इस वाले मेले में जितने भी झूले मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं काफी सारे, मतलब जो प्राइस है उनका काफी रीजनेबल है, ये भी आपको 30 रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा। आपके बच्चे इसमें आकर के एंजॉय कर सकते हैं। ये भी मिल जाएगा आपको बनारसी बाबू पान। हाँ जी भैया, बनारस से आए हैं तो क्या क्या किस किस वैरायटी का पान रखते हैं आप? मीठा पान है, फायर पान। मीठा पान, फायर पान। अच्छा, क्या प्राइस में रहता है भैया? मीठा वाला 30 का है, फायर वाला 50 का। मीठा वाला 30 का मिलेगा और फायर वाला 50 का। ठीक है भाई, इस तरीके के आप पान वगैरह भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैम्पोलिन, छोटा सा ट्रैम्पोलिन बना रखा है, उसका भी मजा ले सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल कार भी मिल जाएगी मेले में, मतलब आपके बच्चे ये भी एंजॉय कर सकते हैं। भैया से पता कर लेते हैं, भैया कितने का रहता है इसका? कितने रुपए में कितने देर के लिए रहता है? 50 रुपए में। 50 रुपए में दो राउंड? अच्छा, 50 रुपए में दो राउंड मिलेगा। मुझे दिख रहा है बॉम्बे फोटो स्टूडियो, तो यहाँ पे आ करके फोटोज वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं, जो कि कैमरे से खींचेंगे और आपको हाथों हाथ मतलब फोटो आपकी खींच के दे देंगे। सिर्फ देखे ना, आपको काफी सारे शॉपिंग स्टॉल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि भैया ने स्टार्टिंग में बेल्ट वगैरह लगा रखे, भैया कितने में लगा रखे हैं बेल्ट? 100-100 रुपए में। अच्छा, 100-100 रुपए में बेल्ट लगा रखे आप ले सकते हैं। और ये वॉलेट भैया, ये भी 100 रुपए में लेदर रहेगा ये? अच्छा भैया लेदर बता रहे भाई, 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का ये वाला, ये क्या कहते हैं, पर्स रहेगा और 100 रुपए की बेल्ट वगैरह मिल जाएंगी। आगे देखे तो भाई इस तरीके से देखिए खिलौने वगैरह लगा रखे हैं। 50 का एक, 100 का दो रहेगा, भैया ने बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, आगे चलें तो इस तरीके से वॉच वगैरह मिल जाएगी, गॉगल्स वगैरह ले सकते हैं आप, काफी वैरायटी के भैया ने चश्मे लगा रखे हैं। ठीक है, काफी सारे की घड़ियां वगैरह मिल जाएगी। ये लेडीज है क्या भैया? भैया किस प्राइस में स्टार्ट कर देते हैं घड़ियाँ? 100 रुपए की सेल लगा रखी आपने? अच्छा अच्छा, 100 रुपए की सेल लगा रखी भाई। भैया ने इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, कोई इस तरीके की घड़ियाँ वगैरह रहेंगी। देखिए इसमें आपको गर्ल्स की भी मिल जाएंगी, बॉयज़ की भी मिल जाएंगी, काफ़ी वैरायटी के लगा रखी है ये देखिए। ठीक है, उसी के आगे चले तो आपको कुछ इस तरीके की सेल वाले आइटम देखने के लिए मिल जाएंगे। ये शायद भैया 20 रुपए की सेल है। अच्छा, ये 20-20 रुपए की सेल लगा रखी है भैया ने। ठीक है, आपको कैंचियाँ, ये भैया 20 रुपए की है। क्या बात है भाई, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, 20-20 रुपए की रहेंगी। ठीक है, बहुत से गर्ल्स के आइटम वगैरह लगा रखे हैं, सारे ये गर्ल्स के ही मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरीके की स्पिनर वगैरह भी मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 20-20 रुपये में रहेंगे। ये देखिए सारे लेडीज़ के कॉस्मेटिक आइटम वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारे 20-20 रुपये की सेल मिल जाएगी। आगे चले तो इस तरीके से भाई आपको सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे, जैसे देखो पिलो वगैरह। ठीक है, हाँ जी भैया, क्या प्राइस में अभी पिलो? 250 रुपये। अच्छा, 250 के भैया ने पिलो लगा रखे हैं। ये वाले भैया हार्ट शेप वाले, कोई सा भी ले लो 250 का। अच्छा, कोई सा भी ले लो, इनमें से 250 रुपये का रहेगा। ठीक है, और ये देखो 50-50 रुपए की सेल लगा रखी है भैया ने एयर रिंग्स की, 50-50 रुपए की रहेगी। 10 रुपए की सेल देखने के लिए मिली है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं 10-10 रुपए। ये लाइटर भी 10 रुपए का रहेगा। क्या बात है भाई, ये 10 रुपए का लाइटर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके के चाकू वगैरह मिल जाएंगे, काफी वेरायटी के हाउस होल्ड सामान और आपको लेडीज के सामान वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए कुप्पियाँ मिल जाएंगी इस तरह की 10-10 रुपए। तो आप करके मेले में इस तरह की कुछ चीजें वगैरह ले सकते हैं। कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, देखो जैसे 100 रुपए की सेल रहेगी, ये सारा लेडीजों का ही है, ये भी 100 रुपए का सेल रहेगा। इस तरीके से काफी सूट वगैरह मिल जाएंगे, 150-150 रुपए की तरह सेल मिलेगी, सारे सेल आइटम रहने वाले हैं। जैसे भाई मैंने पीछे आपको दिखाया, शॉपिंग में भी काफी कुछ आपको मिल जाता है, झूले वगैरह काफी है, आप यहाँ पे आकर के शॉपिंग वगैरह भी अच्छी खासी मतलब कर सकते हैं। खाने पीने में यहाँ पे भाई आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देखो जैसे यहाँ पे छोले भटूरे रहने वाले। ठीक है, ये छोले भटूरे हो जाएगा आपका, और आप काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे भैया ने चाउमिन लगा रखा है, भैया कितने रुपए प्लेट रहता है चाउमिन? 50 रुपए प्लेट। चाहिए चाउमिन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये टिक्की वगैरह मिल जाएगा, पाव भाजी वगैरह। ये क्या चीज़ है भैया, टिक्की है? कितने प्लेट रहती है? 40 रुपए प्लेट। अच्छा, और पाव भाजी? 60 रुपए पाव भाजी, 60 रुपए रहेगा, टिक्की 40 रुपए रहेगा। ठीक है, आगे चले तो इस तरीके से देखिए खाने पीने में भी मिल जाएगा। भाई ये क्या चीज़ है? मूंग दाल का चीला। कितने रुपए में रहेगा? 70 रुपीज़ का। अच्छा, 70 रुपए में ये भी मिल जाएगा भाई आपको, मूंग दाल का चिल्ला मिल जाएंगे। भैया कितने रुपए में रहेगा?
30 रुपए प्लेट। कितने गोलो पे आएंगे? 6 पीस आएंगे भाई। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और भाई मेले से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। हमारे चैनल पे ऐसे दिल्ली एनसीआर के ब्लॉग्स आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।